नमस्कार दोस्तों, आज का रेस्क्यू है हम लोग का जब पहलेजा गांव में, जो अंजलि कुमार इंस्पेक्टर जो है इनकम टैक्स का, उन्हीं के घर में आज हम लोग आए हुए हैं। जो कि सांप, एक बार और पहले हम लोग आए थे तो वहां पर उस समय हमको सांप नहीं मिला था, लेकिन आज बोल रहे लोग कि हमने दो लाठी मारे हैं उसको। इसके बाद में कहीं कोना में पाइप उप है, उसी जगह छिपा हुआ है। तो हमारे वीडियो पर आप लोग बने रहिएगा। पहले आइए, हम पहले सांप पहले निकाल के दिखाते हैं कि कौन सा सांप है। आइए देखिए, हमारे गार्जियन जो थे उस दिन भी रात में जो हम लोग आकर के परेशान होकर चले गए थे, लेकिन आज शुक्र है कि मतलब कि हम फोन किए तब बताए थे कि आप थोड़ा सा निगरानी रखिएगा, क्योंकि साइड में थी क्या बोलते हैं भूरका बुद्धी है। थोड़ा सा देखिए सर बना रहे, जो इस हिसाब से मतलब हम लोग किधर चाहिए, बाहर से ही है होगी, बाहर से कुत्ता जो चेटा उसके दौरान में मतलब ये लोग ध्यान दिए हैं। तो आइए, यहाँ पर ही सांप है, जिस जगह उस जगह हम चलते हैं। तो सांप जो है बता रहे हैं कि इस कोने के अंदर में है, और साइड से तो नहीं है, नीचे में नहीं था, अच्छा ऊपर में है। तो यहीं पर ही लोग बता रहे हैं कि सांप है। तो आप लोग हमें वीडियो पे बने रहिएगा तब तक जब तक सांप को हम नहीं निकालते हैं, देखते हैं कि कौन सा सांप है। यहाँ पर एक खतरा हो भी सकता है, नहीं भी होगा, तो आप लोग वीडियो को बने रहिएगा। और बताइए कहाँ पर सांप है, एक मिनट सांप पकड़ के लीजिए आप, इसके बाद में हम लोग देखते हैं। पहले से एक आध लाख पिटाई दी है, एक मारना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब मार दिए तो कोई बात नहीं है। कहाँ जाए, वहाँ पर थी ना, पहले इधर जाइएगा तब ना बताएंगे। काटा ना, हाँ भागते समय मारे हैं हम, बात सही है, सही है। शुरू से कहानी देखिए, ठीक है कि मतलब ऊपर में भुरकी है बगल में, वो निकल जाती आराम से पीछे, लेकिन उसको चोट लगने के कारण से मतलब वो नहीं निकली है। देखिए तो उधर जा रही कार, नहीं मारिएगा, नहीं मारिएगा ना सर, हम लोग हैं ना, हम लोग आते हुए आप सांप मार दीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हम लोग सांप को बचाते ना है सर। हाँ दो टेल्स हटाइए, वहाँ पर दो टेल्स हटाइए, नहीं नहीं ये टेल्स हटाने से नहीं होगा, रुकिए।
इसको ऐसे यहीं पे है। टॉर्च दीजिए। तो देखिए ये जो सांप है, इस सांप में कोई जहर नहीं होता है, समझ गए? इस सांप में कोई जहर नहीं है और यहाँ पर चूहा और कबूतर के चलते ये सांप जो है घर में आती है। अधिकतर चूहा रहता है इस घर में, चूहे के चलते थोड़ा सा अभी चूहा खाई भी है। हाँ हाँ लगा है। तो दोस्तों कभी भी सांप को देखिए तो आप लोग मारिए मत, सांप को बचाइए, सांप से हम लोग ठीक है, वो अलग की बात है। लोग भोजन के चक्कर में चलती है सब। हाँ हाँ ये तो बात है ना। और ये है तो आपका 40% अनाज आपका घर में आ रहा है इस धामन सांप के चलते, या कोई भी सांप हो उसके चलते आपका 40% अनाज आपका घर में आ जा रहा है। अन्यथा अगर ये सब नहीं रहे तो आपके भूखे मरना पड़ेगा। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि कोई भी धामन सांप हो या कोई भी सांप हो आप लोग मारिए मत और सांप को बचाइए। सांप से हम लोग को बहुत सारा अथी है जो कि फायदा है। और बहुत लोग बोलते हैं कि सांप जो है पोस से मारती है, इतवार मंगल के इतवार कौन दिन है सुमार है उससे मतलब नहीं है, लेकिन इतवार या मंगल चाहे कोई भी दिन हो इसका ना पोस में जहर है और ना ही इसके मुंह में जहर है और ना ही ये दूध पीती है। बहुत लोग बोलता है कि सांप दूध पी लेता है छान करके। तो आज आप लोगों को एक चीज बताने वाले हूं मैं कि जो इसका जो भगवान के मुंह दिए जीव पहले से ऑलरेडी इसको जीव फाड़ दिए है। कोई भी सांप अगर दूध पिएगा तो मर जाएगा। ये चूहा खाने के लिए लोग आती है, चूहा ही लोग का मुख्य भोजन है, समझ गए ना? चूहा मेढक जो है ये लोग का मुख्य भोजन यही है। देखिए कहाँ थी मेरा कुत्ता, यहाँ बगल में आपके धान जो बुनाया हुआ है आस पास में, अभी के डेट में जो भी सांप है जहाँ कुछ चास मिलेगा जगह वहाँ पर चल जाएगा। इसलिए चूहा जो होता है अभी बरसात में जो है चूहा खेत में धान के खेत में नहीं जाएगा, आपके घर में घुस जाएगा, घर में घुस जाएगा तो भोजन जहाँ मिलेगा उस जगह पहुँच जाएगा। ये दोस्तों हम यही कहेंगे कि देखिए जब ये जीव मुंह फाड़ रही है, जीव निकाल रही है, तो इसका जीव जो है देखिए ऑलरेडी फटा हुआ है, ठीक है? ये दूध नहीं पी सकती है, गाय को छान के चाहे कोई इंसान को मतलब जो होता है। जी जी नहीं नहीं हम समझ गए, हम बताइएगा हमको थोड़ा सा। इधर आइए ना सर, आइए इधर आइए, आप अपना पर्चा बताइए थोड़ा सा कैमरा में। हाँ आइए, मैं अंजनी कुमार, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सासाराम। देखिए यही मेरा कुत्ता है। पर्चे बताइए सर। अंजनी कुमार, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। पहलेजा में इनका मकान है, पहलेजा में मकान है इनका। और ये जो है सर बहुत लोग को मदद करे हैं और कि मतलब कि कितने लोग के ये जॉब लगा दिए, कितने लोग के मतलब सेवा दिए हैं और कितने लोग आज भी मतलब मदद करने के लिए तैयार होते हैं। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति जो होते हैं घर में, गांव घर में,
तो उनको उनके लिए हम लोग जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं, इसलिए कि हम लोग की कभी जरूरत पड़ गई तो सर हम लोग को भी मदद करेंगे। और आप लोग से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति हो जो कि गांव घर में जो कभी उसको दिक्कत हो रही है या उसके परिवार में कोई नहीं हो, अकेला औरत हो और उसके खाने पीने की दिक्कत हो रही है, तब पूरे गांव मिलकर उसको मदद कीजिए आप लोग भी, और मदद कीजिए उसको, एक एक रुपया चंदा लगा करके दीजिएगा तो पूरे गांव अगर चंदा देते हैं एक रुपया तो उस बूढ़ी माँ या बूढ़ी बाप को जीवन सफलता हो जाएगा। तो दोस्तों रखेंगे लोग को हम लोग इसको आराम से ले जाकर जंगल में छोड़ देंगे, अभी हम लोग झोली में रखेंगे, झोली में रख करके लेके चल जाएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो मेरा चैनल चलता है, चैनल का नाम है अमर स्नेक किचन, मेरा मोबाइल नंबर है 7979724374। आप लोग को जब भी रात मेरा जरूरत पड़े तो इस नंबर पर आप लोग कॉल कीजिए और हम लोग आएंगे और सांप को पकड़ के लेके चल जाएंगे। तो ये जो है कि दूसरी बार हम लोग आए हैं, दूसरे बार में ये धामन सांप पकड़ाई है, एक बार और रात में आए थे हम लोग जो कि बारिश में भीगते हुए आए थे तो उस दिन सांप नहीं मिला था, लेकिन आज ये सांप जो है हम लोग को मिल गया है। तो इसको हम पहले पैक कर देते हैं, देखिए झोली लगी उधर से और इनको हम पैक कर लिए और इसको सुरक्षित जगह पर ले जाकर के छोड़ देंगे जहाँ इसका जीवन पालन अच्छा से हो सके। और थोड़ा सा चोट लग गया इस पर कुछ हम लोग पट्टी मलहम कर देंगे इसको और इसके बाद में छोड़ेंगे। तो सभी लोग देखिए अब बगल के दर्शक लोग जो लड़का बच्चे लोग आए हैं सभी लोग को तो देखिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग को जानकारी हो इस चीज़ को कि सांप पकड़ने वाले हैं, मारना नहीं चाहिए, सांप को बचाना चाहिए। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।